everyone and welcome to Ara's Kitchen. Hope you guys are doing well. Today I'm here with one more all-time favorite recipe, that's Amritsari Chana Masala. Sometimes we'll call it chole, we call it chana masala, or we call it with many different names, but this is a Punjabi dish and it's very delicious. For which I have few ingredients here. I have soaked chickpeas, that's soaked overnight, around 7 to 8 hours. Thinly chopped onions and tomatoes, deseeded. I have bay leaves, cinnamon sticks, and I have some of the garam masala like green elachi seeds, and I have cloves. I have some coriander leaves and ginger, garlic, and green chili thinly chopped. Now, the chickpeas that I had soaked for overnight, I'm adding them into the hot water, and we will pressure cook it for 5 to 6 whistles. To the chickpeas, I'm adding 1 bay leaf. 3 cloves, and I'm adding a little bit stick of cinnamon, and here I will add few tea leaves. आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी छोले, जिसके लिए मैंने चने को यानी कि छोले को 8 घंटे तक भिगा के रखा था. अब हम इसे बॉईल करेंगे. पानी, गर्म पानी में मैंने डाल दिया है और इसमें मैंने डाला है 1 तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक डाली है, लौंग डाले हैं और थोड़ी सी चाय पत्ती डाली है. अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 6 whistles के लिए. I have taken a pan here for which I'm going to make a gravy. I'm adding 2 tablespoons of oil to the pan, to which I'm going to add grated ginger garlic, a bay leaf, few cloves, and few seeds of cardamom. मैंने अब यहाँ पे एक पैन गर्म कर लिया है जिसमें मैंने डाला है लौंग, हरी इलायची के पत्ते, हरी मिर्च स्लाइस किया हुआ, लहसुन, अदरक और एक तेज पत्ता. अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक. आई एम ऑल्सो गोइंग टू एड सिनेमन स्टिक टू इट. वी विल लेट इट क्रैकल फॉर 30 seconds एंड देन वी विल एड थिनली चॉप्ड अनियन. आई एम पुटिंग लिटिल बिट मोर ऑयल बिकॉज आई फील इट्स लेस. आई एम मेकिंग दिस फॉर 2 servings. मैं इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड कर रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल में यूज़ कर रही हूँ. आप चाहे तो इसे असली घी में भी बना सकते हैं. मैंने इसमें डाल दिया है दालचीनी का एक छोटा सा पीस और अब हम इसमें डालेंगे, इसे 30 seconds तक सौते करने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज. आई एम एडिंग थिनली चॉप्ड अनियन टू इट. वी विल सॉटे द अनियन फॉर अराउंड 2 minutes. वी डोंट वॉन्ट टू चेंज द कलर. अगेन वी वॉन्ट टू मेक इट ट्रांसल्यूसेंट एंड वी वॉन्ट टू मेक इट क्रंची एंड नाइस. अब गरम मसाला और बाकी के मसाले क्रैकल होते ही हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे. उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे. हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना है. हम इसे 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे मीडियम फ्लेम पर, मीडियम से हाई फ्लेम पर. इसे चलाते रहें ताकि ये चिपके नहीं. हमें इसे क्रंची बनाना है और हमें प्याज का ट्रांसलूसेंट कलर चाहिए. आप इसे चलाते रहें. ये रेसिपी बनाने के लिए छोले या काबुली चने को 8 घंटे तक भिगा के रखना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सोक चिकपीस फॉर 8 to 9 hours. नाउ लेट्स सी आवर चिकपीस आर बॉइल्ड. दिस इज हाउ दे लुक. बिकॉज ऑफ द टी लीव्स द कलर इज वेरी नाइस एंड दिस इज हाउ अमृतसरी छोलेज आर मेड. हमारे छोले बॉयल होकर रेडी हैं. चाय पत्ती की वजह से उसका कलर बहुत बढ़िया आया है. हमारा अनियन भी ऑलमोस्ट सौते हो गया है. अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और अनियन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट रेडी एंड वी विल ऐड सम स्पाइसेस. नाउ आई एम एडिंग सम टर्मरिक पाउडर, रेड चिली के पाउडर 1/2 teaspoon. आई एम एडिंग 1.5 teaspoon ऑफ कोरिएंडर पाउडर. मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर. हम इसे अब फ्लेम लो कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले हमारे चिपक ना जाएं. इसे 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद हम इसमें बारीक कटे हुए टमेटोज डाल देंगे. आफ्टर एडिंग द स्पाइसेस वी विल मिक्स इट वेरी नाइसली. कीप द फ्लेम टू लो एंड आफ्टर 30 seconds वी विल मैरिनेट द स्पाइसेस विद अनियन एंड वी आर गोना ऐड वेरी थिनली चॉप्ड टमेटोज. आई हैव डीसीडेड द टमेटोज बट दैट्स ऑप्शनल. मैंने टमेटोज के बीज निकाल दिए थे पर वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं. अब हमें टमेटोज को फिर से 2 से 3 मिनट तक पकाना है. यू हैव टू कुक द टमेटोज टिल दे गेट सॉफ्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स. कीप द फ्लेम ऑन मीडियम. आई एम एडिंग किचन किंग मसाला टू इट नाउ. आई एम एडिंग सॉल्ट एज पर द टेस्ट.
अब मैंने इसमें मिला दिया है किचन किंग मसाला और स्वाद अनुसार नमक। हमने चना बोल करते वक्त नमक नहीं डाला था, तो आप अकॉर्डिंगली नमक डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। वी गोना ऐड सॉल्ट एज पर दी टेस्ट, बिकॉज वी डिडंट ऐड एनी सॉल्ट टू द चिकपीस, सो ऐड अकॉर्डिंगली। वी गोना गिव इट अ नाइस मिक्स। आई एम गोना ऐड अ डैश ऑफ वाटर, नॉट मच, अ वेरी लिटिल वाटर एट दिस स्टेज, सो दैट माई स्पाइसेस डोंट गेट स्टक एट बॉटम। अब मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो चिपक ना जाए या उनका बर्न स्मेल ना आ जाए। अब इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे और हमारे टोमेटो सॉफ्ट होते ही हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। Now this looks ready after 2 minutes. The color is very nice. अब मैं इसमें डाल रही हूँ चना मसाला पाउडर जो रेडी मिलता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना डालें। Now I'm adding chana masala powder, a ready powder that is available in the market. I'm adding it 1/2 teaspoon. This is optional. If you don't like this, the chana masala is going to be very delicious without that also. Now our gravy is almost ready. अब हमारी जो ग्रेवी है, जो हमारा भुना मसाला है, वो ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चने डाल देंगे। दिस इज द टाइम टू ऐड बॉइल्ड चिकपीस टू इट एंड सम वाटर। इट्स द वाटर इन विच वी हैड बॉइल्ड चिकपीस, द ब्राउन वाटर विद द टी लीव्स, लिटिल बिट ऑफ दैट। हमने उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला दिया, जिसमें हमने चने बॉइल किए थे वही पानी मिलाया है, क्योंकि उसका कलर ब्राउनिश है चाय की पत्तियों की वजह से। इसमें टेस्ट बहुत अच्छी आती है। ये चने मसाले ऐसे लग रहे हैं। अब हम इसे 7 से 8 मिनट तक मीडियम से लो से मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ। आई एम एडिंग लिटिल बिट मोर वाटर टू इट, मिक्स इट प्रॉपरली एंड वी आर गोना कुक दिस फॉर 7 to 8 minutes इन अ कवर्ड पैन ऑन लो टू मीडियम फ्लेम। आफ्टर 7 मिनट्स दिस इज हाउ माई चना मसाला लुक्स। 7 मिनट के बाद हमारी सब्जी कुछ ऐसे दिखेगी। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें से दालचीनी और तेजपत्ता निकाल लेंगे, वरना वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। नाउ आर करी इज रेडी, चना मसाला इज रेडी। एट दिस स्टेज आई एम गोइंग टू रिमूव बे लीफ एंड सिनेमन स्टिक एंड क्लोव्स आल्सो, अदरवाइज दे वुड स्टक एट द टाइम ऑफ सर्विंग इट और ईटिंग इट। एंड दिस ग्रेवी इज रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट इन द बाउल एंड वी गार्निश इट विद सम स्लाइस्ड अनियंस, ग्रीन चिली एंड ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। अब हमारा चना मसाला तैयार है। हम इसे सर्व करेंगे बोल में और हम इसे गार्निश करेंगे हरे कटे हुए कांदे की स्लाइसेस से, हरी मिर्च से और हरे धनिए से। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप अपने कमेंट्स हमारे साथ बिल्कुल शेयर करें और हमें बताएं कि आप हमारे चैनल पे और क्या देखना चाहेंगे। आई होप यू गाइस विल लाइक दिस रेसिपी। डू शेयर योर कमेंट्स, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। टिल देन ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे नए रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। हम मिलेंगे जल्द ही। थैंक यू।